इस वीडियो में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन एरर्स करने वाली हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे टू और हम निकले हैं घूमने लोकल साइट पे असम में। हमें भी नहीं पता कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, आप भी ये आगे ब्लॉग में देखना और मैं भी देखूंगी। मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे संकल्प और स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ऐसे असम शेपकर बोलते हैं इनको, इनका छत नहीं है, मतलब यहाँ के घरों की एक खासियत है कि इनका छत छत नहीं है, इनका छत हट है। कौन सा शेप बोलेंगे से? असम टाइप बोलेंगे। मैं असम शेप बोला। अच्छा गाइज, ये जो घर है यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे छत की जगह पे ऐसे असम टाइप छत बोलते हैं इसको। टीने का छत है। ये जो देखने को मिल रहा है सब राइस फील्ड्स है। थोड़ी असमीज में बोलेगा क्या कुछ तो बोलो। कैसे देखा मैंने, डील कर यार, ऐसे देखा होगा हट कुछ तो बोल। हेलो गाइज, अभी गोए सो फुडी बोले एंड इट्स अ लवली वे, ताकि मैं असमीज में बोल रहा हूँ ताकि सब समझ ना पाए क्या बोला। एक तो गाली देते, गाली दिया, गाली दिया और बाकी सब पीछे बैठे हैं। वी आर ऑन द वे, प्लीज। गाइस, ये जो दिख रहा है ये हमारे पैडी फील्ड्स है, वो देख, ये हमारा एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया है और ये यहाँ पे जो है ये हमारे राइस फील्ड्स है। अभी भालुकपोंग आने वाला है, वो यहाँ रुक जाए, इसको तो बंद कर दिया। हमारा भालुकपोंग आने वाला है अभी, वो यहाँ से है 10 to 11 किलोमीटर्स और उसका रास्ता कुछ ऐसा है। गाइज, हम यहाँ भालुकपोंग में कामेन नदी के पास रुके हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है। सही में एक मिनट रोड क्रॉस कर लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ का। अंदर को छोड़ो। नदी की आवाज़ आ रही होगी आपको इसमें और मौसम भी बहुत ही मस्त हो रखा है, एकदम ठंडा सा, वरना इतना ह्यूमिड हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे खड़े होने तो यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी। समोसा के अंदर तो ये हमें बहुत खतरनाक न्यूज़ बताएंगे इस नदी के बारे में। लास्ट ईयर इस नदी का रंग पूरा ब्लैक हो गया था, उसमें जितनी मछलियाँ थी सब मर गई थी क्योंकि चाइना ने अपने साइड से, मतलब ये नदी जो है चाइना से होके आती है ना, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा केमिकल वेस्ट डंप किया था नदी पे, जिसके वजह से सारी मछलियाँ मर गई थी और पूरा नदी ब्लैक हो गया था। अभी भी इसका कलर काफी ब्लैक नहीं है, अभी तो बारिश की वजह से उसका बिल्कुल काला हो गया था। काला ऐसा ऐसा काला ब्लैक। तो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं भालुकपोंग की नदी से। यहाँ पे ये बहुत प्यारे से हैं ऐसे हट से। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं, दूसरे साइड जाएंगे अब हम कहीं। भी हम जा रहे हैं, ये तो साउथ का हीरो है, नॉर्थ ईस्ट का हीरो है। तो अभी बज रहे हैं एक और हम लोग जा रहे हैं चित्रलेखा उद्यान, कोल पार्क भी बोलते हैं उसको, उसको कोल पार्क भी बोलते हैं। और या और उसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के पास, तो अभी हम फर्स्ट है वाले चित्रलेखा पार्क। बारिश भी हो रही है बाहर। हाँ, बारिश भी हो रही है बाहर, बहुत खतरनाक।
तो पार्क का इसलिए हमारा डाउटफुल है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हम कहाँ उतरेंगे बाहर कुछ ऐसे। और ये यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है मिशन चार्ली, यहाँ बहुत ज्यादा जैम होता है। मिशन चाराली, तो वो मिशन चार्ली नहीं है, मिशन चाराली है, मतलब फोर लेन चौक है वो बेसिकली, तो चौक था वो वहाँ यहाँ का फेमस। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहीं से सारी जगह कनेक्ट करता है, मतलब विलेज एरिया जो रूरल एरिया है उधर को और अरुणाचल तरफ भी यहीं से रास्ता जाता है। मिशन चार्ली ऐसा कुछ मूवी लग रहा है, ऐसा आया था ना एक मूवी मिशन चार्ली, तो वो मिशन चार्ली नहीं है, मिशन चाराली है, मतलब फोर लेन चौक। ऐसी बारिश में जाने वाले हम पार्क घूमने, ऐसी बारिश में। ये पुकुरी लेक है यहाँ का, तो हम अभी जा रहे हैं चित्रलेखा पार्क, ऑल्सो नोन एज कोल पार्क, और ये कुछ ऐसा दिखता है। बाकी तो अंदर जाके देखना है कैसा दिखता है। तो ये है हमारा टिकट काउंटर ₹1 per person, 30 rupees। ये पार्क हमारा फेमस है बोटिंग लेक के लिए, इसके हिस्टोरिक का पिलर्स के लिए, और यहाँ पे मॉडर्न जेट्स भी देखने को मिलेंगे, तो आगे देखते हैं अभी हम वीडियो में। यहाँ पे बस फोटो खिंचाने के लिए, दिस हैज सम एंशिएंट सिग्निफिकेंस दैट वी डोंट नो, मुझे असमीज तो समझ नहीं आ रहा है, अगर लिखा हुआ तो मैं थोड़ा बताती, बट लिखा हुआ नहीं था तो। अच्छा यहाँ पे वैसा बोटिंग वगैरह करने का जिसका मन है तो वो कर सकता है वो यहाँ पे आके। इंडिया का मैप देखो तो बोटिंग का टिकट करनी है तो मैं बोटिंग, ऐसी प्यारा सा सीनिक व्यू है तो हम घूम रहे हैं इसमें अंदर। तो अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे लेक है, दोनों साइड पे मैन मेड लेक है ये, और ऐसे बेंचेस वगैरह हैं बैठने के लिए, आप आके प्यारा सा सीन एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या एज एन कपल और फैमिली, जैसे आपको आने का मन हो वैसे। और मुझे मेरे फ्रेंड्स बुला रहे तो मैं उधर जा रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, तो मैं ऐसी बोल रही हूँ। प्यारा सा है पे पर ग्रीन ग्रीन गो ग्रीन असम टाइप्स। ये डक हाउस है पर डक यहाँ पे नहीं है, डक घूमने गई है, वहाँ पे घूम रही है डक। वहाँ पे पास अभी व्लॉगिंग करते करते मैं शहीद होने वाली थी, ऐसे रास्ता आया और मैं यहाँ, मेरा फोन जाता, मैं तो नहीं पर मेरा फोन जरूर जाता इस पॉइंट्स के तालाब में। बच गई मैं, मेरा पैर मुड़ा है हल्का सा, वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, अब हम यहाँ हैं। तो हमने तो बोटिंग नहीं करी क्योंकि हमारा मन नहीं था, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। दैट विल सी इन द व्लॉग। ये स्विमिंग पूल अब नहीं रहा, अच्छा सूर्य नखा रावण, अच्छा नरसिंह, ऐसे सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। सो गाइज दिस वॉज अ ब्लॉग फ्रॉम कोल पार्क, एंड किसी दूसरी जगह जाके देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो वहीं से आप लोग भी देखना। बहुत गर्मी हो रही है, ह्यूमिड हो रहा है अभी, बस लकीली बारिश भी रुक गई है।
सो वी विल कंटिन्यू जब हम दूसरी जगह पहुंचेंगे तब। अभी हम निकले हैं जहाज घाट के लिए और हम जाएंगे जहाज घाट। वहाँ पे मतलब शिप, जहाज मतलब शिप, घाट घाट मतलब घाट। तो हम जाएंगे शिप घाट पे। शिप घाट मतलब शिप नहीं है, शिप शिप तू ही बोल ले, शिप घाट। और कुछ बताओ इस जगह के बारे में। बहुत सुंदर है और नदी भी है ये ब्रह्मपुत्र। ओ भाई मेरे को, मैं सामने दिखाती हूँ क्या दिख रहा है। जहाज बना दो क्या कागज कर। विड्थ बहुत बड़ा है, विड्थ तो गंगा से भी ज्यादा है। इसलिए तो डिफेंस आर्मी गिर गया ना पानी में। पानी में हाँ, वो था पंजाब का ना, क्या हरियाणा का था, और वो जो ब्रिज था ना सुना है हाँ, कोलिया घूम रही है वो सेल्फी लेते लेते गया पानी में, थोड़ा आता था वो बस चला गया, मिला नहीं अभी। एक ठीक घर का लड़का था, झील भी तो घूम रहा है ऊपर। सो हम लोग नहीं गए जहाज घाट पे, हम ज्यादा मतलब यही है भाई, जहाज तो पानी में कूद थोड़ी जाएगी। अरे यार कच्ची थ्री, ये हमारे गणेश घाट की एंट्री है और हम जा रहे हैं गणेश घाट। यहाँ पे भी डेंटल क्लिनिक है, देख रॉयस डेंटल क्लिनिक, नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। कौन सा, सो वी आर हियर एट गणेश घाट। मंदिर है, रोज मंदिर है वो, प्राचीन क्या बोलते हैं, प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जागृत है। किसके कारण मैंने नहाना, दिस इज़ द मेन मार्केट ऑफ तेजपुर एंड यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, खाना खा सकते हो। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हम यहाँ पे बस रिफ्रेशमेंट्स के लिए आए थे। सो आई एम बैक नाउ एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब। और जहाँ जहाँ हम गए हैं मैंने उनकी लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।